So here we go. Let us start our today's session. In the last class, what we have done? So last class में हम 17 chapter के सारे concept discuss कर चुके थे, है ना? 17 chapter बड़ा easy था. Correlation पूरा पढ़ लिया, regression पूरा पढ़ लिया, and finally we have started the questions today. So the very first exercise and the set A question. The very first question is on your screen. Start solving it. What you have to do is आप answer बताओगे, मैं tick करूँगा. Chapter पूरा पढ़ लिया है, तो most of the questions आप ऑटोमेटिकली आंसर कर पाओगे क्योंकि आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए नए लगेंगे आपको, तो वो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. बाइवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर टू वेरिएबल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. बेटा हाँ ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. बेटा क्लासेस, इसकी सारी क्लासेस अटेंड करी इसीलिए, है ना? चलो अगले चैप्टर की पूरी करना फिर पूछना. चलो तो बाइवेरिएट डेटा मैंने शुरुआत में ही समझाया था चैप्टर की शुरुआत में कि क्या होता है. टू वेरिएबल्स सेम टाइम पे लेंगे, है ना? टू वेरिएबल सेम टाइम पे. जैसे ही मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था मैथ्स और स्टेट्स के मार्क्स का, है ना? अब ये मैथ्स और स्टेट्स के केस में टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब कैसे मार्क्स ले रहे हो, क्योंकि यहाँ टाइम का कोई रिलेशन नहीं है. बट हर जगह इसका टाइम का भी रिलेशन होगा, किसी और वेरिएबल में टाइम का भी रिलेशन हो सकता है. तो दोनों वेरिएबल टाइम के साथ लेना है आपको, नहीं हो सकता बट एट दिस पॉइंट. वो किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है, बट जनरली ये विद टाइम होगा. समझ रहे हो? जैसे मैथ्स और स्टेट्स के मार्क्स में टाइम का फर्क नहीं पड़ता कि कब किसके मार्क्स ले रहे हो, वो कॉन्स्टेंट रहेंगे. बट हर जगह हर चीज कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी. समझ रहे? जैसे अगर व्हीकल जा रहा है, अब वो किसी व्हीकल की स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों आपको नोट करना है, वो बाइवेरिएट डेटा है. क्या क्या? एक व्हीकल जा रहा है, कार जा रही है, उसका उसकी स्पीड और उसका एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग होते हैं. पता है स्पीड अलग होती है, एक्सेलरेशन अलग होता है. तो अगर मुझे किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन और उसकी स्पीड दोनों नोट करना है, तो हर मोमेंट पे अलग होगी. तो वहां पे टाइम भी रोल प्ले करेगा कि आपने कब डेटा लिया था. समझ रहे हो? ठीक है. एनीवे लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग. फॉर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हैविंग पी प्लस क्यू क्लासिफिकेशन द टोटल नंबर ऑफ सेल. बड़ा आसान क्वेश्चन है. इधर देखो पी प्लस क्यू, इसमें क्या है? पी प्लस क्यू क्लासिफिकेशन मतलब पी प्लस क्यू रोज समझ लो इसको, है ना? पी रोज समझ लो, ये पी रोज हो गई, और क्यू कॉलम समझ लो. चलो पी क्यू छोड़ो, आप तो दो रोज समझ लो और तीन कॉलम समझ लो. कितने सेल होंगे इसमें? छह सेल होंगे. क्या आंसर आएगा? कॉमन सेंस लगाओ, क्या आंसर आएगा? पी क्यू खत्म. आया टू थ्री, टू रोज थ्री कॉलम होते तो सिक्स कॉलम आते, वो सेल आते. तो इसमें पी क्यू सेल्स आएंगे. कोई डाउट बेटा जी? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन करो, क्या कह रहा है ये? सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज इन अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मे बी जीरो. जीरो बेटा, जीरो. सेल फ्रीक्वेंसीज इन अ उसकी बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तीन चीजें होती है, वो अपन ने पूरा टॉपिक पढ़ा ही नहीं और जरूरत भी नहीं है. ठीक है, चलो समझ आया? नहीं समझ आया तो समझ लो अब. सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसी इन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में भी जीरो. ठीक बेटा, दैट विल बी रियली हेल्पफुल. चौथा क्वेश्चन करो. फॉर ए पीक इनटू क्यू बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये याद रखने वाली चीज है. क्या है याद रखने वाली चीज है? कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर वो बात करें, किसकी? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की. किसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन? P क्रॉस Q बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल का. तो वो हमेशा आता है 2, मैक्सिमम 2 आता है. कितना आता है मैक्सिमम? कितना आता है? 2. अब इसी में का एक और होता है, मैं समझाता हूं. देखो ये तो क्या था? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन. कितना होता है? 2. याद रह गया? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, मैक्सिमम कितना होता है? 2. अब इसी में का एक और आता है, ये देखो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन. अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या आएगा? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए P क्रॉस Q क्लासिफिकेशन. वही चीज है, बस इसमें कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया. समझ रहे बेटा? तो इसमें क्या आंसर आएगा? P प्लस क्यू, पी ऑप्शन. मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है मैक्सिमम? 2. कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? बस अब जो सारे क्वेश्चन पहचाने हुए आएंगे, अब ये खत्म हो गए हैं, ये बाइवेरिएट यहीं खत्म. अब सारे क्वेश्चन जाने पहचाने आएंगे, मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं, अब शुरू हो जाए. अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आपके पहचाने हुए. ठीक है, कोई बात है, आप मत देखना. एनीवे यहां ध्यान दो. कोरिलेशन एनालिसिस एम सेट. क्या बेटा जी?
सही बात है, वेरी गुड बेटा। देखो डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्यों है? क्योंकि कोरिलेशन में हम क्या क्या करते हैं, तो पहली बात तो एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल के बीच में रिलेशन बनाते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं, मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन कि कितना है, 0.5 है कि 0.6 है। तो दोनों काम किस में होते हैं, कोरिलेशन में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला रिग्रेशन डिफरेंट है ना, रिग्रेशन को कंफ्यूज मत करना। रिग्रेशन में क्या होता है सोचो, इसमें बेटा दोनों इधर बैठ जाओ, आप जम नहीं रहा, यहां बैठ जाओ। चलो अब ध्यान से अगला वाला क्वेश्चन, रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न विद, रिग्रेशन में क्या करते हैं? तो रिग्रेशन में इतना तो पता है कि रिलेशन अपन रिग्रेशन में भी बनाते हैं, ऑप्शन ए तो करेक्ट आना ही आना है। क्यों? क्योंकि वो वाई माइनस वाई बार, वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये क्या है, रिलेशन ही तो है वाई और एक्स के बीच में, ठीक। और दूसरा हाँ ये सी वाला भी करेक्ट है, प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अरे वो वाई देते हैं तो एक्स बताते हैं, तो एक वेरिएबल देता है तो दूसरा बताते हैं, तो ए और सी दोनों सही। ऑप्शन कौन सा, सही, मैं ए और सी को इरेज कर रहा हूँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने कल ही समझाया था, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। वेरी गुड बेटा, सही बात है, नॉनसेंस या है ना स्पर्यस। देखो ऑप्शन सी क्या बोला था मैंने, इट इज द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कैजुअल रिलेशन, ठीक है ना, कल ही पढ़ा था ये तो, और ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा हो तो ये यहाँ कॉपी किया हुआ है पैराग्राफ भी, ये पैराग्राफ में आंसर इसका। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं, जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कैजुअल रिलेशन नहीं होता तो ऐसे एक रिलेशन को स्पर्यस बोलते हैं या फिर नॉनसेंस कोरिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका कोई एग्जांपल दोगे क्या मेरे को, स्पर्यस का, स्पर्यस का कोई एग्जांपल दोगे क्या बेटा? आप नहीं बहुत हो गया, आप नहीं, चारों रोहित नहीं बेटा, आयरन और वीट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये एग्जांपल दिया था मैंने, आयरन का प्रोडक्शन और वीट का प्रोडक्शन का एक एग्जांपल दिया था मैंने, तो उसमें उस हाँ नहीं वो अलग है, नहीं वो अलग है बेटा, दिमाग और जूते का तो कोई रिलेशन नहीं, वो तो जीरो का रिलेशन है आप गलत। और ये आयरन और वीट का जो एग्जांपल दिया था उसमें रिलेशन था लेकिन वो नॉनसेंस था, टाइम की वजह से था इसलिए वो नॉनसेंस था, स्पर्यस रिलेशन था, है ना। हाँ तो एनीवे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आई होप कि आपको कल का डिस्कशन याद है थोड़ा बहुत। स्कैटर डायग्राम इज कंसीडर्ड फॉर मेजरिंग, लीनियर के लिए भी करते हैं, कर्वी लीनियर के, वो कर्वी लीनियर के लिए रंग बिरंगे डायग्राम दिखाए थे बहुत सारे कर्वी लीनियर के लिए, तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, इसलिए कौन सा करेक्ट आएगा, ए एंड बी, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर का मतलब क्या होता है, जब रिलेशनशिप लीनियर नहीं होती, जैसे क्वाड्रेटिक हो गई, क्यूबिक हो गई, तो ऐसे को कर्वी लीनियर बोलते हैं। एनीवे लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th वन, द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, मतलब इधर देखो ऐसा, वेरी गुड, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, देन द कोरिलेशन इज नेगेटिव। हाँ बिल्कुल सही बेटा, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट इस टाइप की लाइन नेगेटिव में बनती है, हाँ पॉजिटिव में नीचे से ऊपर जाता है। चलो हाँ ओरिजिन से 11th वाला सॉल्व करो, तो प्लॉटेड पॉइंट्स इन स्क्वायर डायग्राम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब वो पूरे में देखो ऐसे डायग्राम में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या कोरिलेशन आएगा, जीरो, कोई कोरिलेशन नहीं। अगर कोरिलेशन होता तो कोई पैटर्न दिखता, आगे लाइन दिखती, कुछ तो दिखता, पर ये तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जीरो कोरिलेशन। अरे ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई बेटा, ये 11 नहीं 11 के बाद 12 आना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक, ये मॉड्यूल में भी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, मॉड्यूल के पीडीएफ में बेटा। एनीवे ये वाला पढ़ो 12th वाला, इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स ऑन अ स्कैटर डायग्राम लाई ऑन अ सिंगल लाइन देन द कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव, ए आर बी, क्योंकि नेगेटिव में भी परफेक्ट लाइन बनती है और पॉजिटिव में भी एक लाइन बनती है, सही बात बेटा। तो इफ ऑल द पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाई ऑन अ सिंगल लाइन देन द कोरिलेशन इज नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव, या तो ऐसी लाइन बनेगी या फिर ऐसी बनेगी, है ना, परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव, वेरी गुड। 13 द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस जीरो, अब ये ध्यान रखना कि जीरो कोरिलेशन और स्पर्यस कोरिलेशन में बहुत डिफरेंस है ना,
जीरो और नॉनसेंस कोरिलेशन दोनों अलग अलग है, जीरो नॉनसेंस नहीं है, नॉनसेंस जीरो नहीं है। चलो 14th क्वेश्चन, द कोरिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट आफ्टर द अप्लाइंग द ब्रेक इज, कैसे होगा? अच्छा ऑप्शन में दिया है क्या, क्या दिया ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या दिया है, इसीलिए चिल्ला रहे हो नेगेटिव नेगेटिव। सुनो ध्यान से सुनना, पहले मेरी बात सुनना फिर समझेंगे। द कोरिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। अरे भैया एक गाड़ी स्पीड में जा रही है फिर उसने ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाने के बाद कोई डिस्टेंस कवर करेगी क्या, नहीं करेगी ना, नहीं करेगी ना, तो फिर इनमें रिलेशन हुआ क्या? अरे ब्रेक लगा दिया गाड़ी खड़ी हो गई, और वो स्पीड, अब स्पीड और रुकने के बाद डिस्टेंस कवर करने का क्या रिलेशन है? बट एक पॉसिबिलिटी है इसमें, नहीं एक पॉसिबिलिटी है ये कि इसका अगर ये समझे कि आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक भी अगर वो कोई सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है तो फिर कुछ और आएगा। हाँ तो वो बड़ा गंदा क्वेश्चन है, मतलब ये इनकी कह सकते हो, ध्यान से सुनो, अगर ऐसा हुआ कि अब हम ऐसा मान रहे हैं कि गाड़ी स्पीड में जा रही है ऐसी स्पीड से और ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगी वो, है ना, अगर ये मान के चले सिनारियो, तो फिर अब इस सिनारियो में सोचते हैं, एक सिनारियो तो हो सकता है कि ब्रेक लगाने के बाद कोई डिस्टेंस नहीं कवर करे, वो सिनारियो प्रैक्टिकली थोड़ा लेस लाइकली है, लाइकली सिनारियो तो ये होगा कि डिस्टेंस कुछ कवर करेगी। तो अब हमसे इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है कि एस स्पीड है और ब्रेक लगाने के बाद ये एक्स डिस्टेंस कवर करी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ध्यान से सुनना बेटा, एक ही बार समझाऊंगा, अगर एक्स बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी तो ब्रेक लगाने के बाद ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगी, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जितनी ज्यादा स्पीड है उतनी दूर जाके रुकेगी गाड़ी, तो ये जितना एस बढ़ेगा उतना एक्स भी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, प्रैक्टिकली सोचे तो बढ़ेगा, समझ रहे हो ना बेटा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ा गंदा क्वेश्चन। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ बेटा, सुनो 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 सुनो, अरे नेगेटिव दे रखा होगा, नेगेटिव लगा के आगे बढ़ जाओ, वो करना हो तो हम प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन के बारे में सोचे तो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ब्रेक लगा के मैं मानू की गाड़ी वहीं रुक गई तो जीरो रिलेशन, ब्रेक लगा के मैं मानू, पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है? अरे ये क्वेश्चन क्लियर ही नहीं है, इसकी लैंग्वेज बड़ी एम्बिगियस है, समझ रहे हो बेटा जी? नेगेटिव तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, मान लो ब्रेक लगाई गाड़ी वहीं रुक गई तो फिर रिलेशन ही नहीं है। अब ब्रेक लगाने के बाद कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं करी तो स्पीड के साथ क्या रिलेशन हुआ? कोई रिलेशन नहीं हुआ। दूसरा प्रैक्टिकल सिनेरियो में मानूं कि भाई जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी ब्रेक लगाने के बाद ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो जितना एस बढ़ेगा उतना एक्स भी बढ़ेगा, तो फिर पॉजिटिव रिलेशन हो गया, पॉजिटिव इसमें ऑप्शन में, मतलब इनके हिसाब से पॉजिटिव सही नहीं है, बट एनीवे हम तो क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। लॉजिक समझ रहे हो ना? इसमें मॉड्यूल में नेगेटिव दिया है, पर अब डिपेंड करता है कि वो किस बारे में सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एम्बिगुअस क्वेश्चन है, एम्बिगुअस क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएंगे, जिसकी लैंग्वेज ही क्लियर नहीं है वो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, और आ गया तो क्रिस मार्क्स, ठीक है, क्योंकि बच्चा घर से रट के थोड़ी जाएगा क्या है? आप क्या सोचते हो, ये एग्जाम फाउंडेशन के एग्जाम में आप ये सोचते हो कि बच्चा जाए दिमाग अप्लाई करके आंसर दे, ठीक है ना? चलो ये वाला करो 15, स्कैटर डायग्राम हेल्प अस टू फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। नेचर ही बताता है, एक्सटेंट नहीं बताता, सिर्फ नेचर बताता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि परफेक्ट पॉजिटिव है कि परफेक्ट नेगेटिव है, पर ये नहीं बताता कि आर की वैल्यू कितनी है, समझ रहे हो? स्कैटर डायग्राम ओनली ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, बाकी के ऑप्शन करेक्ट नहीं ही आएंगे। मैंने तो आज तक मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं निकाली स्कैटर डायग्राम का यूज करके, बनाएगी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बनाई, ना ही एक्सटेंड ऑफ कोरिलेशन निकाला, एक्सटेंड ऑफ कोरिलेशन का मतलब आर की वैल्यू निकाली, स्कैटर डायग्राम का यूज करके निकाली, नहीं निकाली, तो ऑप्शन ही सही होगा, समझ रहे हो बेटा जी? सही है, आगे 16 क्वेश्चन, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड फॉर, क्या आएगा? Correlation for any type of relation, correlation for any type of relation, ठीक है? Pearson's correlation coefficient for any correlation linear, हाँ, अरे linear, linear में ही लगता है, ये इसकी definition में दिया हुआ है, Pearson की definition में दिया हुआ है, Carl Pearson की definition की दूसरी तीसरी line में, कि it is applicable for linear only, खत्म हो गई बात, ये linear में ही लगता है, Carl Pearson, अच्छा एक बात सुनो, ये Carl Pearson's correlation coefficient है ना,
इसको क्या बोलते हैं आर, इस आर को प्रोडक्ट, अरे आर ही तो बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। एक बार बिल्कुल दो बार और बोल देता हूं, लिखो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मैंने कहीं बताया होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अरे नीचे लिखा हुआ 17 में कहां मथा बच्ची कर रहे, देखो ये लिखा हुआ, हाँ मैंने देखा नहीं, हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कंसीडर्ड फॉर, अरे आर निकालने से हमें नेचर भी पता चल जाता है कि आर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और हमें यह भी पता चलता है कितना कोरिलेशन है ना आर की वैल्यू भी 17, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। 18th क्वेश्चन करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव टू लोअर लेफ्ट टू अपर राइट ऑप्शन है, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट कॉर्नर है ना, चलो बिल्कुल सही, 18 में ये आना चाहिए, कोई डाउट? 19 आर प्लस वन हो गया तो स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट फ्रॉम, हाँ यही तो है, यही आएगा सेम टू सेम, क्यों? क्योंकि परफेक्ट पॉजिटिव में भी तो यही होता है, एक स्ट्रेट लाइन जाती है बस, इनने ऐसा बोला ना, हाँ स्ट्रेट लाइन होगी लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। अगला क्वेश्चन अब सुनो, ये प्रोडक्ट मोमेंट किसको बोलते हैं? कार्ल पियर्सन को बोलते हैं, और कार्ल पियर्सन की क्या डेफिनेशन थी पढ़ो और बताओ, बट आप दोनों बहुत बातें कर रहे हो, रहने दो उसको, अभी मैं समझा दूंगा, है ना बेटा, है बेटा, बेटा आप कुछ नहीं बाद में बोलूंगा, ये सारे के सारे लेक्चर ऑलमोस्ट सेकंड डे अपलोड हो जाते हैं ऐप पे, तो फिर देखते क्यों नहीं हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भैया, इसका फॉर्मूला ये है कार्ल पियर्सन का, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, तो कोवेरियंस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑप्शन सी इज करेक्ट, उसी बच्चों को पता होगा जिसको ये पता है, और ये तो मैंने पढ़ाया है, इनफैक्ट मैंने कोवेरियंस का फॉर्मूला भी पढ़ाया, स्टैंडर्ड डिवीजन की भी दोनों पढ़ाए, इसका शॉर्टकट भी पढ़ाया, चार फॉर्मूले पढ़ाए थे इसी में कार्ल पियर्सन, अलग 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 और एक अकेला बड़ा वाला, ठीक है ना, चलो अब ये कौन बताएगा, ये बच्चा नहीं, जी ये बच्चा अगर ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने नहीं बताया मतलब उसने पढ़ा ही नहीं कोरिलेशन, उसने फिर पढ़ा ही नहीं कोरिलेशन, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल, हाँ ठीक है, बेटा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, हाँ बेटा ठीक है आगे बढ़े, चलो 22 क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज, पढ़ाया था ये तो, आर की कोई यूनिट, आर की कोई यूनिट नहीं होती ना केजी में ना मीटर में ना सेंटीमीटर में, पढ़ाया था ना बस, तो फिर आर की कोई यूनिट नहीं होती इसलिए यूनिट फ्री मेजर है, खत्म आगे बढ़ो, ऑप्शन डी भाई, आर की क्या वैल्यू होती है कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर, आर की क्या वैल्यू होती है माइनस वन टू प्लस वन इंक्लूडिंग माइनस वन प्लस वन, ऑप्शन डी खत्म आगे बढ़ो, ओहो हो बताओ बेटा बी वाला कैसे, इन केस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज वन, ठीक है तो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल वुड बी, ओहो क्या क्या आएगा बताओ, और क्यों आएगा, अच्छा क्या लॉजिक है इसका बताओ, देखो प्लस वन है ना, हाँ ठीक है, हाँ बेटा है संबंध, चलो अब मैं समझाता हूँ, इधर ध्यान से सुनना, लॉजिक समझो इसका,
कि इसमें ऑप्शन क्यों करेक्ट है, जो भी करेक्ट है वो क्यों करेक्ट है, ध्यान से सुनना। वैसे पहले ही बता दूं ऑप्शन भी करेक्ट है, अब बताता हूं क्यों करेक्ट है, है ना, ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक तरीका सिखाया था कि अगर कोई इक्वेशन दी हो अपने को ऐसे कुछ वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो जो x के साथ होता है ना वही byx होता है, सिखाया था क्या, ठीक है ना। तो अब यही यहाँ पे भी वही ऐसी इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू, मैं bx को आगे लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, bx प्लस a, है ना। तो ये b क्या है, तो बेटा ये b नहीं है, ये byx है, बोलो वहां के ना, है ना। और मैंने ये पढ़ाया था कि जो वैल्यू byx की आएगी वही b, सॉरी जो साइन byx का आएगा वही bxy का आएगा और वही r का आएगा, तीनों विल हैव, लाइक मैंने एक पॉइंट लिखवाया है नोट करके कि ऑल थ्री विल हैव सेम साइन, नहीं तीनों नेगेटिव भी होंगे, अगर नेगेटिव होंगे तो तीनों होंगे और पॉजिटिव होंगे तो तीनों होंगे, तीनों का पता चल जाएगा, समझाया था ना। और r की वैल्यू भी थी रूट के अंदर byx into bxy प्लस माइनस याद आया। अब पॉजिटिव है वैल्यू, अब पॉजिटिव वैल्यू है तो byx कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होना चाहिए, तो वही तो लिखा हुआ है b ग्रेटर देन जीरो, समझ गए। अब आप बोलोगे कि सर बाकी के ऑप्शन गलत क्यों है, बेटा इसमें a गलत इसलिए है कि इसमें b का साइन नहीं पता, पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी ये b ये c इसलिए गलत है कि b नेगेटिव बोल दिया, नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। डी गलत इसलिए बेटा कि इसमें ए एंड बी बिंग बोथ पॉजिटिव, नहीं मुझे बोथ की जरूरत नहीं है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, मुझे इसे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों बोलूं कि ए पॉजिटिव, ए का जरूरी नहीं है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, ए का कोई फर्क, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत आया, सोच पड़ी ये लॉजिक। आगे बेटा समझो, अच्छा एक और चीज, आर की वैल्यू क्या होती है, बी एक्स वाई bx प्लस माइनस, अरे अंदर या तो दोनों नेगेटिव होंगे, कहां अंदर साइन की कहां जरूरत पड़ी तुमको, अंदर दोनों नेगेटिव होंगे हाँ कि ना, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, और अगर अंदर दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी कैसा आएगा पॉजिटिव, तो अंदर साइन लगाने की जरूरत ही नहीं, साइन से बाहर ही लगेगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ते, कैसे करो जो करना है, करो जो करना है भैया, देखो इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन दिस देन द वैल्यू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ऐसा देखो अब है ना, इसमें एक क्वेश्चन में ही गलती है, क्वेश्चन में गलती ये कि हमसे पूछ क्या रहा है, सुनो ये पूछ क्या रहा है पता ही नहीं रहे आप लोग, चिल्ला के बोलो कि आर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आर, इतनी देर से पूछ रहा हूँ क्या पूछ रहा है बता ही नहीं रहे हो, आर पूछ रहा है। अब आर बताने के लिए आर का फॉर्मूला अभी पढ़ाया, अब इस क्वेश्चन में गलती ये है कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन से बी एक्स वाई निकलता है, दूसरे से बी वाई एक्स निकलता है, अब इस क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन दी है, अब एक से दोनों निकल, अब वो वही करना पड़ेगा मजबूरी में कि हमको एक से दोनों निकालने पड़ेंगे, जबकि टेक्निकली वो रहोंगे, बट इसमें कोई ऑप्शन नहीं तो वही करना पड़ेगा, समझ गए बेटा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं तो मुझे वही करना पड़ेगा, बट होनी क्या, टेक्निकली दो इक्वेशन होनी चाहिए थी, एक से मैं बी एक्स वाई निकालता, एक से मैं बी वाई एक्स निकालता और फिर आर निकाल लेता, है ना, बट ऐसा नहीं दिया इनने, अब क्या करूंगा, पहले मैं बी एक्स वाई निकाल लेता हूं, तो टू एक्स कितना हो जाएगा माइनस थ्री बाय माइनस फोर, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस थ्री बाय टू वाई माइनस फोर बाय टू, यहां से मुझे क्या मिलेगा x, यहां से मुझे मिलेगा बी एक्स वाई कितना है, चलो इतना तो मुझे सूझ पड़ गई कि ऑप्शन बी गलत है ऑप्शन ए गलत है, इतनी मुझे ही पता चलेगी, क्यों, क्योंकि बी एक्स वाई का साइन माइनस है तो बी वाई एक्स भी नेगेटिव होगा आर भी नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन ए भी गए, बचा के ऑप्शन सी दी,
चलो मजबूरी वश अब क्या करेंगे, 3y को इधर रखेंगे, माइनस 2x माइनस 4, y कितना होगा, माइनस 2 बाई 3x माइनस 4 बाई 3, कोई मुझे bx बता देगा क्या, माइनस 2 बाई 3, बहुत बढ़िया, प्लस माइनस, ये माइनस 3 बाई 2 इंटू माइनस 2 बाई 3 कितना हो जाएगा, बट एक मिनट को बाहर बाहर प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों नेगेटिव है, जो साइन बाहर अंदर लगता है वही बाहर आता है, तो दोनों नेगेटिव है तो बाहर भी नेगेटिव आएगा, हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। तो बस सीधा लिख देंगे हम r इज इक्वल टू माइनस वन, क्यों, क्योंकि अंदर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन का स्क्वायर रूट वन है ना, वो बाहर माइनस है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, अरे कहाँ गया, r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, वैसे ऑप्शन डी नेगेटिव, तो हाँ सी भी माइनस वन भी नेगेटिव ही है, पर अपन की ऑप्शन पर एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई तो वही लिखेंगे, समझ गए, ये समझ आया बेटा, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन करते हैं। 26 क्वेश्चन, फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स का मतलब, बहुत बढ़िया, इसको याद है कि क्वालिटेटिव के लिए हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ दिखता है गंदा सा, 1 माइनस 6 टाइम समेशन ऑफ डी स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ फॉर्मूला दिखता है, हाँ कि ना, और ये ब्यूटी ब्यूटी इंटेलिजेंस एग्रीमेंट बिटवीन टू जजेस इस टाइप के क्वेश्चन में यूज करते हैं, याद है कुछ, चलो अगला क्वेश्चन, अरे वही क्वेश्चन है 26-27 से एक ही है, देखो द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अबाउट ब्यूटी बिटवीन टू जजेस, ब्यूटी क्या है, क्वालिटेटिव है, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे, रैंक वाला, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना, तो ये रैंक शब्द आ रहा है इसमें, इसलिए आएगा, बट आप यहां एक दो दिन से मिसिंग थे क्या, इस चैप्टर की सारी क्लासेस करिए, बहुत बढ़िया, आप नहीं मिसिंग थे शायद, आपके वो साथ वाली कोई मिसिंग थी, प्रेरणा नहीं आ रही ना, आप नहीं थे मिसिंग, चलो अगला क्वेश्चन 28, इफ देयर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मार्क्स, परफेक्ट डिसएग्रीमेंट, तो उनके बीच में कोरिलेशन कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, परफेक्ट एग्रीमेंट होता तो प्लस वन आता, परफेक्ट डिसएग्रीमेंट है तो माइनस वन आएगा, इफ देयर इज परफेक्ट डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मार्क्स इन ज्योग्राफी एंड स्टैट्स, तो अब इसी बारे में माइनस बनाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं अपने को, अगला ओहो हो, आप मैग्नीट्यूड के बारे में कंसर्न नहीं हो, चिल्ला चिल्ला के समझाया था ये, बताओ किसमें, नहीं मुझे पता था आप भूल जाओगे, पढ़ो पढ़ो इसको पढ़ो इसको, याद आया, when we are not serious about the magnitude, what method we will use coefficient of concurrent deviation, coefficient of concurrent deviation हम use करते हैं, कब, जब हम serious नहीं होते, किसके बारे में, क्या formula है इसका, formula क्या है इसका, याद आया कुछ, है ना, इसमें magnitude कहाँ use करते हैं, हम तो बस c निकालते हैं, c क्या होता है, number of positive signs in the product, M क्या होता है, आए यार, अरे आपको आएगा ही सही यार, चलो तो क्या लिखूं, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस, हाँ बेटा जी, चलो आगे बढ़े, व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, क्विकेस्ट क्यों क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ता ही नहीं है, सिर्फ हमको साइन चाहिए, किसके, सिर्फ सी चाहिए, सी क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, देखना बड़ा आसान है कि पॉजिटिव साइंस कहाँ है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, एम तो देखते से पता चल जाएगा कि इतने ऑब्जर्वेशन है उसमें से एक माइनस करना है, पता क्या पॉजिटिव साइन देखना है,
वो तो कर लेंगे. व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड? सो मेथड ऑफ कॉन्करेंट डिविजन. स्केलर डायग्राम क्विक क्यों नहीं है? क्योंकि उसे आर मिलता ही नहीं है. आर मिलता ही नहीं उससे. अगर उससे आर मिलता तो वो क्विक होती. चलो आगे बढ़े. अगला कौन सा है? 31. ये तो आप बता ही दोगे. आओ वैसे कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन होता क्या है? आर होता है यार. चार मेथड में से कोई सी मेथड निकालो, लगाओ, आएगा तो आ रही फिर तो आंसर भी तो वही आएगा. नहीं नहीं सॉरी, ये नहीं आएगा, मांडी आएगा, माइनस वन एंड वन लिमिटिंग वैल्यूज इंक्लूसिव. सही, ये तो पहले भी कर चुके हैं, माइनस वन टू वन. अगला 32 क्वेश्चन. अगर दो वेरिएबल एक्स और वाई तो रिग्रेशन इक्वेशन कितनी आएगी? दो ही आएगी. एक एक्स वन वाई वाली आएगी, एक वाई वन एक्स वाली आएगी. एक ही आएगी, इधर देखो डी एक्स वाई, एक आएगी डी वाई एक्स वाली, दो ही आएगी बस, तीसरी आ ही नहीं सकती. चलो अगला क्वेश्चन ये बताओ, 33 बताओ. फिर अजीब सा क्वेश्चन आया, ब्लड प्रेशर वाला. द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन एज. तो ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन एक्स एज. ब्लड प्रेशर को मैं बी और एज को ए, तो बी बी आएगा ऑप्शन ए. अरे भैया जब वाई डिपेंड करता है एक्स पे तो हम कौन सी इक्वेशन बनाते हैं? बी वाई एक्स वाली. तो जब ब्लड प्रेशर एज पे डिपेंड कर रहा है तो कौन सी बनाएंगे? ब्लड प्रेशर ऑन एज वाली ऑप्शन ए. उल्टा क्यों करेंगे? अगर बी करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, एज ऑन ब्लड प्रेशर हो जाएगा. कैसे? हो ही नहीं सकता. समझ रहे हो बेटा जी आप? मैं समझाता हूं. ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन एज, तो इसका उल्टा सही करेंगे क्या? नहीं. आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सुनो, ब्लड प्रेशर डिपेंड कर रहा है एज पे, तो इक्वेशन भी ब्लड प्रेशर ऑन एज वाली बनाएंगे. एज ऑन ब्लड प्रेशर क्यों बनाएंगे? उल्टा क्यों लिखेंगे? समझ गया? इसलिए ऑप्शन बी गलत है. ऑप्शन ए ही सही है. ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए सही है. चलो आगे बढ़े. मेथड 34 पता करो. रिग्रेशन इक्वेशंस. अब रिग्रेशन इक्वेशन हमने तो डायरेक्ट यूज करी, हमने तो कोई डेवलप नहीं करी, हमने तो डायरेक्ट यूज करी, बट फिर भी मैं देख के बता दूंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है. कैसे? इधर देखना भैया. सुनो प्रोडक्ट मोमेंट तो रिग्रेशन की मेथड ही नहीं है, वो तो कोरिलेशन है, वो तो कोरिलेशन टॉपिक का है. तो ये कहां से आ गया? चलो गया. कॉन्करेंट डिविजन, अरे ये तो रिग्रेशन का है ही नहीं, ये तो कोरिलेशन का है. तो ये कहां से आ गया? गलत. नॉर्मल इक्वेशन नहीं, बचा क्या? क्योंकि ये तीनों टॉपिक, अरे बेटा रिग्रेशन का ही नहीं ना, क्या कहां से आ गया? तो मैंने अभी बोला ना आपको कि हमने डेवलप कहां करी, हमने तो सीधा यूज करी ना हमने. अरे मेरे लाल पीले हरे, हाँ तो ये कहां से आई? तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से आई, ऐसा बोल रहे हैं वो. अब हमने ये डेवलप थोड़ी करी, हमने तो यूज करी ना. तो ये आई कहां से? इस रिग्रेशन इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए कौन से मेथड यूज करी हुई? तो लिस्ट से. 35 पर बेटा सुनो, तो बेटा ध्यान से सुनना बेटा, एरर को ही रेसिड्यू बोलते हैं, एरर को ही रेसिड्यू बोलते हैं. इंग्लिश में नहीं, मैथ्स में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में. इंग्लिश में नहीं ऐसा होता है ना, दोनों का मतलब अलग अलग है इंग्लिश में, बट मैथ्स के पर्टिकुलर टॉपिक में दोनों एक ही बात है. रिग्रेशन की बात करो, रिग्रेशन टॉपिक की, तो दोनों एक ही चीज है. आप अल्टरनेटली यूज कर सकते हो, इसलिए ऑप्शन डी. एस्टिमेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में अगर कोई डिफरेंस आता तो वही तो एरर है, हमारा ऑब्जर्वेशन गलत है. समझ लो बेटा, तो वही तो एरर है. ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दोनों शब्द एक ही है रिग्रेशन टॉपिक में. चलो एनीवे, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट. इधर यू कॉल इट एरर आर रेसिड्यू, बोथ आर द सेम थिंग. द एरर इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस आर, बताओ
बेटा एरर नेगेटिव भी हो सकता है, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर जीरो भी हो सकता है, कोई एरर नहीं है, आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दोनों बराबर है तो कोई एरर नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला द रिग्रेशन ऑफ लाइन। अच्छा हाँ बेटा, ये डायग्राम हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा बट फिर भी मैं बता देता हूँ। द रिग्रेशन ऑफ लाइन वाई ऑन एक्स डिराइव्ड बाय द मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन द स्कैटर डायग्राम। बेटा सुनो, ये जब वाई ऑन एक्स की बात कर रहा है ना, सुनो बेटा, ये जब वाई ऑन एक्स की बात कर रहा है ना, तो वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? वाई हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है ना? तो ऐसे याद रखना कि जब वाई ऑन एक्स की बात करें तो वर्टिकल डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज करना। ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा? ए, क्योंकि y हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है स्कैटर डायग्राम में, किसी भी डायग्राम के ऊपर। स्कैटर डायग्राम की बात नहीं हो रही, किसी भी डायग्राम पे। तो बड़ा हॉरिजॉन्टल आता, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि y वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़े, अगला करो। पूरे चैप्टर के लास्ट में कल येलो कलर से दो नोट लिख के दिखाए थे, लास्ट में आया यार। टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन बिकम्स आइडेंटिकल, ऐसे लाइन के ऊपर लाइन बना के बताई थी कि आइडेंटिकल हो जाती है। कब हो जाती है? जब आर की वैल्यू या तो प्लस वन हो या माइनस वन, तो आइडेंटिकल हो जाती है लाइन। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स? मुझे नहीं पता, बताओ कैसे? कैसे हाँ बट कैसे? आपने बोला डी तो कैसे? पहली बात तो ये, अरे टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते क्या है ये बता दो। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, उसके पीछे क्या पड़ गए? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, ये दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? खींच के दूंगा नींद आ जाएगी, पूछ तो भी। अरे भैया रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो याद रखो कम से कम, ये तो बोलो, पढ़ा पढ़ा के थक गया कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स। टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन होते हैं? यही तो होते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कौन होता है? आर। रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन होता है? बी। अब उसने बोला कि टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, टू तो कौन होंगे? बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। ओके, अब इनकी लिमिट पूछिए कि इनकी क्या लिमिट होती है इनमें से, क्यों? अरे तुम तो चुप हो जाओ, मैं लाल सुनने दो। हाँ हाँ बोलो उसको। हाँ ना बेटा, ये कोई लॉजिक ना हुआ। बोले सर वन टू से छोटा होता है। हाँ होता है बेटा। चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान रखो इधर। अरे अरे तुम इधर देखो यार, कहाँ उलझ रहे हो? सोचो क्या आएगा, सोचो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की क्या लिमिट होती, सोचो सोचो। मुझे क्या पता, बस हो गया। चलो आप देखते हैं। हाँ हाँ बेटा बोलो। देखो ध्यान से सुनना, मस्ट बी पॉजिटिव ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऑप्शन सी भी गया क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा असंभव, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। चलो ये भी गया, नो लिमिट भी गया, क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी कोई लिमिट ना हो। अब बचा क्या? ऑप्शन डी। अब फिर भी ये क्यों है वो समझते हैं। मुझे या आप सबको भी बताया ये बात कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का प्रोडक्ट अगर मैं करूं तो ये रूट के अंदर आता है और बाहर क्या लगता है, ये सबको पता है ना? ठीक है, अब आपको बोल क्या रहा है? ऑप्शन डी, प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन वन। प्रोडक्ट मतलब क्या? इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन वन होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। अब मुझे समझ में क्यों, आपके मन में क्वेश्चन आया क्यों, देखते हैं।
हम क्या करेंगे, हम इनकी बात नहीं मानेंगे, हम मोर देन वन ले लेंगे। इनने क्या बोला कि प्रोडक्ट शुड बी लेस देन यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन होता है, तो प्रोडक्ट शुड बी लेस देन वन, ऐसा बोला ना इनने, हम इसका उल्टा करेंगे, हम प्रोडक्ट विल बी मोर देन वन ले लेंगे, ले लिया। देखते क्या होता है, मोर देन वन में क्या 1.1 ले सकता हूं, और मोर देन वन तो ये ले ही सकता हूं। चलो अब कोई बच्चा मुझे हेल्प करेगा 1.1 का रूप निकाल के बताएगा कितना आ रहा, 1. मैं लिख देता हूं 1.0488। हाँ ठीक है, इतना ही ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम गलत पकड़ रहे हो। ऐसे देखो तुम कि R की वैल्यू कितनी आई, असंभव, असंभव, ये माइनस वन और वन के बीच में होती है, और ये तो 1.1 से ऊपर आ गई, ऐसा हो सकता है क्या, खत्म। तो ये भी नहीं हो सकता फिर, मतलब प्रोडक्ट भी वन से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वन से ज्यादा लेने पर R की वैल्यू वन से ज्यादा आ रही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्या बेटा ये समझदार है बच्चा, ये बच्चा समझदार है। आया समझ में कि नहीं आया, आया समझ में कि क्यों, एक बार बता देता हूं, इधर देखो उसने ऐसा, हाँ इधर सुनो, एक बार फिर से समझा रहा हूं लास्ट बार बेटा जी। इसने ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है कि दोनों का प्रोडक्ट बी एक्स वाई और बी वाई का प्रोडक्ट वन से कम होना चाहिए, ऐसा इसने दिया हुआ है। मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो वन से ज्यादा लूंगा, तो मैंने वन से ज्यादा ले लिया 1.1, और जब मैंने 1.1 का रूट निकाला तो वो आंसर कितना आया 1.0488। तो वो वन से कितना, आर जो आर की वैल्यू वन से बड़ी आ गई, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मतलब हम प्रोडक्ट वन से ज्यादा नहीं ले सकते। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, वन से ज्यादा नहीं ले सकते तो वन से कम लेना पड़ेगा। आया सुना बेटा जी, कोई डाउट तो नहीं, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ, हाँ सही बात है बेटा, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बात, बिल्कुल सही बात बेटा। अगला क्वेश्चन, ये तो आप बता ही दोगे बेटा, एक मिनट इधर आना, इसला दो यार। 41 कल लास्ट में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, बस खत्म। ऑप्शन पढ़ाया था ना बेटा कल, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कितना होता है, आर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन कितना होता है, नहीं नहीं, वन माइनस आर स्क्वायर, कल ही पढ़ाया। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन लास्ट में पढ़ाया था, होता है आर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन होता है वन माइनस आर स्क्वायर, ये कल ही पढ़ाया था। अगला वाला ही करूं, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, देख लो बेटा जो भी, सुनो मेरे लाल ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर, आप ध्यान से सुनना, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनअकाउंटेड फॉर, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। अब ध्यान से सुनना, अगर इसी में अनअकाउंटेड की जगह ऐसा लिखा हुआ था अकाउंटेड फॉर, क्या लिखा हुआ था, अकाउंटेड फॉर, इसी क्वेश्चन में अन की जगह अकाउंटेड लिखा हुआ जाता, अनअकाउंटेड की जगह क्या लिखा हुआ जाता, अकाउंटेड फॉर, तो फिर क्या आता, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आता। मतलब इस केस में मेरा आंसर होगा आर स्क्वायर, और इस केस में मेरा आंसर होगा वन माइनस। किस बच्चे को समझ में नहीं आया, आया बेटा जी समझ में, तो वन माइनस अकाउंटेड फोर मतलब वन माइनस 0.7 का स्क्वायर, वन माइनस 0.4 का 7 का स्क्वायर मतलब 0.51। अब मैं 0.51 लिखूं या 51% लिखूं, एक ही बात है ना, ऑप्शन सी।
अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके एग्जाम में मान लो वो ये ना दे और एग्जाम में लिख दे व्हाट परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इज अकाउंटेड फॉर, तो फिर ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन डी आया सामने, ऑप्शन डी आएगा, तो ध्यान रखना इस बात का। चलो सेट भी शुरू हो गया, पहली प्रॉब्लम आएगी स्क्रीन पे। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेट बी की सारी प्रॉब्लम्स पढ़ाई हुई है। शुरू हो जाओ और आंसर बताओ, मैं आपके आंसर चेक करूंगा, जहां सही गलत होगा मैं सही कर दूंगा। हो जाओ शुरू। क्या बेटा हाँ बेटा नहीं, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं भी बेटा लेट एवरीबॉडी डू इट। बजाओ शुरू। सेट सी की प्रॉब्लम्स आपका होमवर्क रहेगी, सेट बी की प्रॉब्लम्स मैं आपको शादी करवाऊंगा, शायद 24 प्रॉब्लम्स है, वी विल फिनिश ऑल ऑफ देम एंड सेट सी विल बी योर होमवर्क। एनीवे होमवर्क भी करने की जरूरत नहीं है, सेट सी की प्रॉब्लम लिटरली बड़ी मतलब 5 मार्क्स की, लिटरली 5 मार्क्स की, हम बेटा ये 2 मार्क्स की, बट फिर भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। सेट 5 की, सेट सी की प्रॉब्लम्स वही बच्चा करेगा जिसका सब कुछ हो गया है, एक बार का रिविजन हो गया है, अब वो थोड़ी प्रैक्टिस करना चाह रहा है, वो बच्चा सेट सी की प्रॉब्लम्स कर सकता है। उससे थोड़ा सा ये होगा कि आपके फॉर्मूलाज थोड़े और ज्यादा अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट एक ही प्रॉब्लम में रिवाइज हो जाएंगे, ये हो सकता है सेट सी की प्रॉब्लम करने से फायदा। बस सेट सी क्लियरली उसी बच्चे को करना चाहिए जिसका सेट ए सेट बी बहुत अच्छे से हो गया है और एडिशनल के क्वेश्चन भी हो गए। चलो बहुत समय लगा दिया बेटा जी आपने, इतना समय लगना नहीं चाहिए था। वेरी गुड बेटा, देखो ध्यान से सुनो, फॉर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई द कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ, अरे हमको फॉर्मूला पता है ना यार, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई खत्म। ये कौन सा किसका फॉर्मूला है, रुको अभी, किसका फॉर्मूला बेटा? कार्ल पियर्सन का। अरे कोएफिशिएंट निकालने के तो बहुत सारी मेथड है, ये फॉर्मूला किसका है? कार्ल पियर्सन का। फिर बस कार्ल लिख दिया मैंने, बहुत है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना दिया है? इफ द कोवेरियंस इज 40, वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई इज 16, वेरियंस दिया है 16, तो इसका मुझे रूट लेना पड़ेगा तभी तो स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा, और वेरियंस दिया है 256, तो इसका भी मुझे क्या लेना पड़ेगा? रूट। मेरा आंसर आ रहा है 10/16 या फिर 5/8। ओके बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी सही है, 5/8 मतलब 0.625, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना बेटा, जो 16 दिया है ये स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, ये वेरियंस से क्लियरली लिखा हुआ है कि 16 इज वेरियंस, तो वेरियंस का रूट लेंगे तभी तो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, और फॉर्मूला में नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। समझ आया जस्टप्रीत? आया समझ बेटा? और ये 256 भी क्या है, तो वेरियंस है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है, इसलिए इसका रूट लेके स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, हियर वी गो। अरे ये तो आप कर ही दोगे, ये तो इतना अच्छा क्वेश्चन है, ओहो बता दो फटाफट आंसर, देख के बता दो आंसर। प्रोडक्ट तो बी में भी है, दोनों सही हो सकते हैं, क्यों ना चाहिए, सही बात। हाँ आर नहीं, और कुछ ये वाला, ये वाला चलो देखते हैं, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने अपना अंदाजा बता दिया सर, ऐसा हो सकता है, होगा नहीं, लेकिन इधर देखो मैं आपको जो लिख, यहाँ जो लिख रहा हूँ वो बताना कि सही है कि गलत, सही है कि गलत।
अरे सीधा सा सवाल है, सही है कि गलत? आर की वैल्यू लेस देन वन होती है, वन के बराबर होती है, क्या पता है? हाँ सही है, ठीक। अब मुझे इस क्वेश्चन में दो शब्द दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है कोवेरियंस और एक दिख रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है आर का जिसमें कोवेरियंस भी आता है स्टैंडर्ड डिविएशन भी आता है? अभी जो निकाला था बच्चा, अगर मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते तो बच्चा पूछे सर यो क्यों लगाया, दूसरा क्यों नहीं लगाया, इसलिए बता रहा हूं, है ना? ये दो शब्द दिखे मुझे, तो ये दो शब्द किस फॉर्मूला में आते हैं? कार्ल पियर्सन में। तो कार्ल पियर्सन लिखूंगा, कोई डाउट? अब एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया सर ये आर की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस वन भी तो होती है और यहां पे लेस, ये आपने प्लस वन ही क्यों लिया और वन आपको कैसे पता चला कि लेस देन वन लेना है? मुझे ऐसे पता चला कि मेरे मेरे पास आंखें हैं, मैंने देखा तो यहाँ क्या लिखा हुआ था और फिर ये दोनों पॉजिटिव 15 थे, मुझे सूझ पड़ गई कि पॉजिटिव 15 है मतलब प्लस का वन लेना है और लेस देन और मोर देन की बात कर रहा है मतलब लेस देन वाला साइन लेना पड़ेगा। इक्वल टू से तो लेस देन कभी आ नहीं सकता, इक्वल टू से मोर देन कभी आ नहीं सकता, मतलब क्वेश्चन में ही जब ऑप्शन में लेस देन मोर देन दिखा है तो लेस देन का ही साइन लगाऊंगा ना, समझ रहे हो? फिर बस ऐसे मेरी शुरुआत हुई किसकी, क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब ध्यान से सुनना, कैसे सुनोगे? ध्यान से कोवेरियंस की वैल्यू बोलो और ये इधर चला जाएगा, कोई डाउट तो नहीं? ओहो हो, तो यही तो बोलना है वो, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है? ग्रेटर देन 15। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी, खत्म, आगे बढ़ो। अरे सी हो ही नहीं सकता ना, देखो ऐसे बट आर की वैल्यू लेस देन वन होती, क्या पता है आपको? होती है, आर की वैल्यू लेस देन होती, पता है इतना, ठीक है। आर का फॉर्मूला ये होता है, पता है आपको? स्टेप टू भी क्लियर है, स्टेप टू में 15 लिख दिया, स्टेप टू में ऊपर लिख दिया 15, नीचे लिखा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, लेस आर इक्वल्स टू 1। अभी 15 एज इट इज, स्टैंडर्ड डिवीजन उधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा? कितना ही आएगा जितना है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। अब ये सामने दिख रहा है कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू वाई इज ग्रेटर इक्वल्स टू 15, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी में तो लिखा है मोर देन 15 और अपना आंसर क्या आया? मोर देन 15। अगर हाँ इसी, देखो बेटा इस साइन की जगह ये मोर देन के साइन की जगह लेस देन आता तो ऑप्शन सी सही हो जाता है ना, तो ये ऐसे करना, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगा मुझे, एक नंबर में आ सकता है, ये एक नंबर में आ सकता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो इसमें पढ़ाया होगा नहीं है और फॉर्म क्वेश्चन भी बड़ा ईजी है, सब कुछ इसने हिंट दे दी क्वेश्चन में, इसने ये पहले चिल्ला के बोला कि भैया कार्ल पियर्सन यूज करो, फिर इसने ये भी चिल्ला के बोला कि भैया प्लस वन माइनस वन वाली, लेस देन या मोर देन वाली कोई भी रिलेशनशिप यूज करो। एक बात बताऊं आपको मैं, अगर कोई बच्चा इसमें आर लेस आर इक्वल्स, देखो बेटा आर की दो ही चीजें हो सकती है, आर की वैल्यू दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो आर, अरे आर या तो लेस आर इक्वल्स टू वन होता या आर ग्रेटर आर इक्वल्स टू माइनस वन होता, अगर आप ये भी लेके सॉल्व करते ना तो यही आंसर आता, आप दो ही वैल्यू ले सकते थे, या तो आप लेस देन या मोर देन, दोनों में से कोई भी लेते आंसर यही आता। चलो एनीवे अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो फटाफट। ओहो हो, ये तो वो है जो अभी किया, वेरी सिमिलर। बेटा ध्यान से सुनना, अब है ना, अगर आप किसी को समझ में नहीं आया तो फिर मुझे कोवेरियन शब्द दिखा, फिर मुझे वेरियंस दिखा, और तो वेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन एक ही बात है, कनेक्टेड है चीजें, है ना, और फिर मुझे वेरियंस ऑफ अदर वेरिएबल के बारे में पूछा, फिर मुझे मोर देन भी दिखा, फिर मुझे लेस मोर देन लेस देन भी दिखा, बताओ क्या करूं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? वही क्या अभी है ना, वही लगाना है। क्योंकि यही आ रहा है बेटा, आर लेस आर इक्वल्स टू वन होता है, यही आ रहा है तो आर लेस आर इक्वल्स टू वन है, डायरेक्ट लिख दिया कोई बुराई तो नहीं, ठीक है। कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज 20 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई लेस आर इक्वल्स टू, एक काम करते ना, एक की वैल्यू दी है तो वो लिख भी देते हैं, चलो कितना लिखा है, एक मिनट को, द वेरियंस ऑफ द वन वेरिएबल इज 16, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आएगा 4, तो मैं काम करता हूं, मैंने समझ लिया कि वाई का दिया है, चलो वो वाई का कितना लिखा है, नहीं एक मिनट को, द वेरियंस ऑफ द वन वेरिएबल 16, व्हाट वुड बी द वेरियंस ऑफ द अदर वेरिएबल, हाँ तो x का मान लेते हैं, x का मानेंगे, उसका कारण है मैं भी बताऊंगा, x का 4 मान लिया, y का नहीं पता अपने को, लिख दिया
है ना। अब फोर ये कैंसिल हो जाएगा, फाइव बाय स्टैंडर्ड डिवीजन बाय फोर फिफ्थ आर 20, वेरी गुड। 5 इज लेस आर इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, कोई डाउट? अब दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो 25 इज लेस आर इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y का स्क्वायर, ऑप्शन ए। ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा था मुझे, तो ये इसमें लिखा हुआ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y का स्क्वायर विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू 25, ऑप्शन ऑप्शन ए। इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आ रहा है बेटा सबको समझ में? बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ बेटा जी, स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि बेटा ये वेरियंस है, स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है। वेरियंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, इसलिए किया ना? हमें निकालना वेरियंस है और दिया स्टैंडर्ड डिवीजन है, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, हियर वी गो। अभी हाँ मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 5, 4 to 5, परफेक्ट, वेरी गुड बेटा, सही कह रहे हो। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब पूछा क्या? R. अब R की वैल्यू ना बेटा इस B पे डिपेंड करती है। अगर ये B पॉजिटिव हो तो R भी पॉजिटिव होगा, अगर ये B नेगेटिव हो तो R भी नेगेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन हम नहीं कह सकते कि वन होगी कि माइनस वन होगी। कौन कहेगा? B कहेगा, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? अगला क्वेश्चन, फिफ्थ तो आप कर ही लोगे, ये तो आप कर ही लोगे, बस कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन, CND, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन में पता कर रहा हूं, वेरी गुड बेटा। 1 - R² 1 - 0.6 का स्क्वायर, 1 - 0.6 का स्क्वायर 0.36, ऑप्शन है ना, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन इज इक्वल्स टू 1 - R², बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा जी, कोई डाउट? बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करो। हाँ ये तो क्या a बाई सी और c बाय और कुछ क्या बेटा? a बाई सी, c बाय क्या करना चाहिए बेटा? वो ऊपर ए आता नीचे सी आता, वी गलत निकाले बेटा, सब लाइन से गलत हो तुम, सब ना लायक हो तुम, ये पढ़ा ही नहीं। ये कोरिलेशन आर के बारे में बात हो रही है और आर के बारे में हमको ना ए देखना ना सी, हमको सिर्फ ए का साइन देखना, सी का साइन देखना और यहाँ पे लिखना आर एक्स वाई, याद आया है ना? आप जो बोल रहे हो वो किसके बारे में बोल रहे हो? आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में बोल रहे हो, आप बी एक्स वाई के बारे में बोल रहे हो, आप सही हो बेटा, बस आया समझ में? आप गलत जा रहे हो, आपने ये नहीं पढ़ा कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर की बात हो रही है और आर में सिर्फ साइन मैटर करता है। चलो आगे देखते हैं, इधर देखो मुझे बस इतना इतना चाहिए, यू की वैल्यू चाहिए कितनी आएगी? -5x + 6। बी की वैल्यू दे दो कोई बच्चा, 3y - 20 विल बी इक्वल टू 7v, तो वी की वैल्यू जो आएगी ना वो कहाँ से? मैं ना सब इक्वेशन 3/7y - 20/7। अब मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या वैल्यू, मुझे तो बस साइन देखना है किसका, जो y के साथ है जो x के साथ है उसका साइन देखना है, देख लिया? अब ध्यान से सुनना, ये मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि r ऑफ uv एक साइन, दूसरा साइन r ऑफ xy, पढ़ाया था ठीक है? तो r ऑफ uv पहले का साइन नेगेटिव, दूसरे का साइन पॉजिटिव, अरे यार r ऑफ xy कितना है बेटा? 0.58, कितना आंसर आएगा? ऑप्शन खत्म, याद आया बेटा जी कुछ? अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b, ऐसे भी करके समझाया था,
है ना, ये भी समझाया। हाँ बेटा जी, क्या दिक्कत आ रही बेटा? अरे अरे एक मिनट रुक जाओ, अरे मीत रुक जाओ बेटा। हाँ आप बोलो, ये वाला माइनस बेटा, और ये माइनस प्लस। मैं समझाता हूँ बेटा, है ना, हम क्या करते हैं, पहले u की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम v की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, फिर uv में जो x के साथ होता है, तुम मत इधर देखो, हाँ ये x के साथ जो होता है इसका साइन देखते हैं, और इधर जो y के साथ होता है उसका सिर्फ साइन देखते हैं। इसका साइन बेटा कैसा है, तो प्लस का लगाया, इसका साइन कैसा है, तो लगाया माइनस। ये फॉर्मूला है, पढ़ाया था मैंने पहले, है ना, एक बार रिविजन करना बेटा इसका शुरुआत से। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करके दिखाओ। इधर देखो, नहीं प्रॉब्लम समझो पहले, परेशानी समझो। इधर देखना, एक्स और यू के बीच में एक रिलेशन दिया है, बोलो हाँ के ना, ठीक, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई दिया है, मतलब आर एक्स वाई दिया है कितना, ठीक है, व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन यू एंड वाई, क्या पूछ लिया, बस ये बच्चा समझ गया, ये बच्चा समझ गया, ध्यान से सुनना बेटा, सुनो, ये मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझे पूछ रहे हैं कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वाई, क्या पूछ रहे बेटा, कोरिलेशन बिटवीन यू एंड पूछ रहे हैं ना। अब अगर u और y के बीच का आपको कोरिलेशन पूछना है तो मुझे u और y के बीच की इक्वेशन भी तो दो। इन्होंने इक्वेशन कैसी दी u और x के बीच की, और पूछ क्या लिया u और y, इसलिए क्या मैंने क्या लिख दिया, कुछ पढ़ी क्या, इनसफिशिएंट क्या है, आपको इक्वेशन नहीं दी, इक्वेशन कुछ और दी, पूछा कुछ और, तो यू वाई के बीच की इक्वेशन देते तो हम आंसर निकाल लेते। हाँ ये मेरे को बिल्कुल सही कह रहा हूँ बेटा, आप दोनों इधर बैठ जाओ, हाँ तो भाई मीत इधर बैठ जाओ बेटा, हाँ तो ये बच्चे वाली हरकत तो इधर करो, इधर कर लो बेटा, इधर बैठ जाओ, हाँ नहीं मुझे दिख ही रहा है, कब से दिख रहा है बेटा, इधर बैठ जाओ, हाँ आगे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आगे और अच्छा समझ में आता है, आराम से बेटा, आराम से आगे बढ़े बेटा। चलो अब इसमें डेटा ही नहीं दिया, उसमें इतना टाइम क्यों स्पेंड करें, ओहो हो, अब टेबल वाला क्वेश्चन आ गया, आया मजा, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, कोई बच्चा पढ़े और सॉल्व तो करे। अरे सॉल्व करो, मुझे क्या देख रहे हो, करो बड़ा ईमानदारी और तमीज से पढ़ा होगा और मेरे स्टूडेंट हो तो आंसर बता दोगे, ऑप्शन ऑप्शन बी। अब कैसे बता, तो हाँ 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 बेटा, एक एक का सुनूंगा मैं, हाँ आप एक एक बोलो बेटा, आप बोलो, हाँ प्लस माइनस ठीक है, आपका भी ठीक है, नहीं ठीक है, आप थोड़ा कोशिश कर रहे हो पास जाने की लेकिन पहुंच नहीं पाए एग्जैक्टली, और कोई ठीक है, आप ध्यान से देखो, इधर देखो, अरे कहां कुछ कर रहे हो, इधर देखो एक्स वाई है ना, इसका आपने को आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मतलब आर एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है, फिर इन एक्स वाई को यूवी में कन्वर्ट कर दिया, हाँ के ना, हाँ के ना, और पूछ क्या लिया आपसे, आर यूवी पूछ लिया, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया आर सॉरी एक्स को यू में कन्वर्ट किया कैसे, तो हम तो ऐसे करते हैं, एक्स में
किसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ माइनस या कुछ प्लस कर देते हैं, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन कर देते हैं और चेंज ऑफ स्केल कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत समझदार बच्चों। इतना समझ में आता है कि आर से एक्स कैसे, सॉरी यू से एक्स कैसे आता है बेटा, कि एक्स से यू कैसे आता है, चेंज ऑफ स्केल करना पड़ता है और चेंज ऑफ ओरिजिन भी करना पड़ता है। अगर चेंज ऑफ स्केल किया तो फर्क पड़ेगा किस पे, आर पे, जो आर यूवी का आर आएगा वो कुछ और आएगा, बट अगर आपने चेंज ऑफ स्केल नहीं किया और सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन किया तो आर पे कोई फर्क। अब ये दोनों क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इनमें ओरिजिन चेंज किया है, स्केल चेंज की नहीं इनने, ओरिजिन कैसे चेंज किया वो भी समझा देता हूँ। इधर देखो, अरे इधर देखो बच्चा, इधर देखो, ओरिजिन चेंज किया इनने, देखो इन्होंने क्या किया, टू को बना दिया माइनस थ्री। ओहो कैसे हो गया, अभी बताता हूँ। इनने क्या किया, सब में से माइनस फाइव कर लिया, टू माइनस फाइव, थ्री माइनस फाइव, फाइव माइनस फाइव, फोर माइनस फाइव, सेवन माइनस फाइव। बोलो आई यू, यू वाली लाइन आई, यू वाली लाइन आई। ठीक, दूसरी वाली लाइन देखना, इसमें क्या किया, सब में से माइनस एट कर लिया, आई वी वाली लाइन आई। तो दोनों में क्या हुआ, ओरिजिन चेंज हुआ कि स्केल, दोनों में ओरिजिन चेंज हुआ। तो ओरिजिन चेंज करने से आर में फर्क, इसलिए तो मैंने देखते से ही बोल दिया था कि 0.9 थी ये, क्योंकि दोनों में स्केल चेंज नहीं हुई, ओरिजिन चेंज हुआ। क्या बेटा जी, स्केल चेंज करेंगे ना तो ये टू, हाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा बेटा, ये टू जो है ना, हम ये टू देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे, मान लो यहाँ पे एट आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा कि टू एट कैसे बन गया, या तो इसमें प्लस सिक्स किया या फिर मल्टीप्लाई बाय फोर किया। तो अब मैं पहले प्लस सिक्स वाला कॉन्सेप्ट चेक करूंगा कि क्या सब में प्लस सिक्स हुआ है, बोले नहीं, तो क्या फिर सब में प्लस इंटू फोर हुआ है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि स्केल चेंज हुआ कि ओरिजिन चेंज हुआ, क्योंकि जो भी वो करेंगे वो सब में करेंगे, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि ओरिजिन चेंज हुआ कि स्केल। अब इनने ये जो ओरिजिन चेंज किया, माइनस फाइव सब में किया, माइनस एट सब में किया, अगर ये स्केल चेंज करेंगे कल से, वो मल्टीप्लाई बाई टू करेंगे, डिवाइड बाई टू करेंगे, कुछ भी करेंगे, मल्टीप्लाई से भी स्केल चेंज होती है, डिवाइड से भी होती है, अगर ये मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे तो सब में करेंगे, तो सब में करेंगे तो मुझे दिख ही जाएगा, अगर एक में करते तो मुझे नहीं दिखता, तो सब में करेंगे तो मुझे दिख जाएगा। हाँ और बेटा ये कौन सी बात है, ऑब्वियस बात है, अगर माइनस फाइव करेंगे तो सब में माइनस फाइव ही करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें माइनस फाइव इसमें माइनस सिक्स, नहीं कर सकते। हाँ क्योंकि ओरिजिन चेंज ऐसे थोड़ी होता है, ओरिजिन चेंज होता है तो सबका एक साथ होता है ना, तो ये ध्यान रखना। ऐसे आंसर आएगा, ऑप्शन कौन सा है, बी, खत्म खत्म, यही हो गया है। तो अपना बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ आ सकता है एक नंबर, कोई तो बड़ा ही थोड़ी है, बच्चा देख के घबरा जाएगा, बोले तो टेबल वाला है, नहीं ये टेबल वाला है, देख के करना है। आगे बढ़े, अरे यार ये क्वेश्चन नंबर एट को देख के करना पड़ेगा। चलो एक काम करो, मैं दोनों को पास कर देता हूँ, आप बेटा ना आप सब कुछ आपके सामने है, आप बता दो आंसर। वेरी गुड बेटा, बेटा देखो, बेटा देखो, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। अब है ना आपको यूज करना है एट वाले क्वेश्चन का डेटा, तो एट वाले क्वेश्चन का डेटा मैं ये हटा दूं क्या। अब ध्यान से देखो, मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि भैया टू क्या बन गया, टेन बन गया, थ्री क्या बन गया, फिफ्टीन बन गया, फाइव क्या बन गया, ट्वेंटी फाइव, ऐसा काम कैसे हो सकता है, इंटू फाइव, बहुत बढ़िया, इंटू फाइव, बेटा जी सब में इंटू फाइव ही होगा, देखा सब में होगा। ठीक, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, ये जो फोर था ना बेटा, ये क्या बन गया, माइनस ट्वेंटी फोर, सिक्स क्या बन गया, माइनस थर्टी सिक्स, सेवन क्या बन गया, माइनस फोर्टी टू। अरे भैया प्लस के माइनस होना मतलब क्या करा होगा, मल्टीप्लाई किया किससे, माइनस सिक्स से। तो एक की स्केल चेंज हुई, मतलब मैं आपसे एक बात मैं पूछूं बेटा, क्या दोनों की स्केल चेंज हुई, ठीक है। अब ध्यान से सुना, एक ही बार बताऊंगा, आर यू वी विल बी इक्वल्स टू साइन साइन आर एक्स वाई, है ना। अब बेटा दोनों की स्केल चेंज हुई, तो दोनों के स्केल का सिर्फ साइन लेना होता है, तो एक का तो साइन प्लस आएगा क्योंकि प्लस फाइव से मल्टीप्लाई किया, दूसरे में माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो उसका आएगा माइनस, और प्लस माइनस माइनस, आर एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी, हाँ वो पहले वाले ही ऑप्शन लेना है, मतलब पहले वाले ही डेटा लेना है, तो 0.9 थी, तो माइनस 0.9 थी ऑप्शन। अब बोले क्वेश्चन नंबर एक में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, अब इतना सा देखना है बच्चों को, प्लस माइनस माइनस खत्म।
और ये क्वेश्चन 8 के डेटा से ही सॉल्व होगा, इसलिए दोनों क्वेश्चन साथ में करना पड़ेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को साथ में कर देता हूँ। क्वेश्चन है ना, आगे बढ़े। हाँ बेटा जी, आ रही है। मेरा हार बड़ा गंदा है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, इसमें तो अच्छे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नहीं? इंटरेस्टिंग के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि नहीं? बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूं मॉड्यूल पे ध्यान दो बेटा। जिस बच्चे ने मॉड्यूल कर लिया उसने सब कर लिया। जो बच्चा इधर उधर भागता फिरेगा, आज इस वेबसाइट के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, कल उस वेबसाइट के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। उसको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको आता सब कुछ लेकिन पूरा कुछ भी नहीं आता। हाँ, आज एक इस वेबसाइट से 10 क्वेश्चन कर लिए, कल उस वेबसाइट से 20 क्वेश्चन कर लिए, अरे तुमको कुछ नहीं आएगा। पहले मॉड्यूल पूरा करो, फिर इधर उधर भागो। मॉड्यूल पूरा करने से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अब मेरे को मॉड्यूल पूरा आता है, मैं पास तो हो ही गया। पास क्या हो गया? मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, अब उनको और अच्छा करने के लिए मैं इधर उधर भाग सकता हूँ। समझ गए बेटा जी? तो मॉड्यूल करे बिना इधर उधर भागने की जरूरत, पहले पूरा मॉड्यूल करो बेटा। बता देता हूँ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक। मैंने जब जैसे ही पहली लाइन पढ़ी डिफरेंस ऑफ रैंक, मुझे एक मेथड याद आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन। मुझे लास्ट वाली मेथड याद आ गई, वेरिएंस आर निकालने की लास्ट वाली मेथड, जिसमें हम लास्ट में तो उसी महीने सेम आता है, नहीं समझ रहे? लास्ट में तो उसी महीने सेम आता है, वो कॉन्करेंट डिवीजन वाली मेथड नहीं, उससे पहले वाली। ये तो लास्ट वाली तो कॉन्करेंट डिवीजन वाली, उससे पहले वाली में रैंक आती है ना। इसका क्या नाम है बताओ? हाँ, नाम क्या है इसका? नाम बताता हूँ, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। इस बच्चे ने सही बताया, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। मेथड ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन इसके बाद वाली है। डिफरेंस ऑफ रैंक, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, मतलब क्या दिया है? समेशन ऑफ डी स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना? अरे रुको ना, 21 ऑफ 8 स्टूडेंट, मतलब एन भी दे दिया, कितना? 8। अब क्या दूं आपको? और कुछ भी नहीं चाहिए, निकालो आप वैल्यू। वेरी गुड बेटा, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, समझदार बच्चे हो सारे। जीरो पॉइंट सेवन फाइव मेरा आंसर आया, 0.75। अच्छा, पूरा कैलकुलेटर करना है। ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर दिया है, एन दिया है, और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, डिफरेंस ऑफ रैंक और किसी मेथड में निकालते हैं क्या? डिफरेंस ऑफ रैंक किसी मेथड में निकालते हैं? और किसी मेथड में नहीं निकालते? डिफरेंस ऑफ रैंक एक ही मेथड में निकालते हैं, वो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड, इसके अलावा किसी में नहीं निकालते। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बेटा जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करो, हो जाओ शुरू। इफ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स एंड मेरिट। हाँ सही बात, आर 0.6 दिया है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ द रैंक इज 66। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? एन पूछ लिया, एन पूछ लिया। मैंने बोला था ना कि आर एन डी एच कुछ भी पूछ लेगा। बेटा जी क्या आंसर आया? क्या आंसर आया बेटा जी? एक मिनट देखते हैं बेटा। और एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, 1 - 0.6 0.4 हो जाएगा, 6 × 66 डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस। मेरे हिसाब से 990 आना चाहिए,
है ना, और n की वैल्यू 9 आनी चाहिए। अरे करवा दिया मैंने, याद आया क्या कुछ? इधर देखो, इधर याद आएगा। इसको लिख सकते हैं 99 into, इसको क्या लिख सकते हैं 99 into 10, 99 को क्या लिखेंगे 10 square minus 1 into 10। अभी किसके जैसा दिखता है ये, किसके जैसा दिख रहा है, दोनों एक जैसा दिख रहे हैं। तो n को कंपेयर कर लो, n की वैल्यू कितनी, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, n की वैल्यू 10। 990 को लिखते हैं 99 into 10, 99 को लिखते हैं 100 minus 1, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो n की वैल्यू 10 आ जाती है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार। कोई डाउट बेटा जी? बहुत बढ़िया। सब कुछ सही हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ओह यही वही है, रैंक कोरिलेशन, वही सेम क्वेश्चन। देखो रैंक कोरिलेशन देखते से पता चल गया। निकालना क्या है? आया कुछ आंसर? चलो इधर देखो बेटा, हुआ क्या, ध्यान से। कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा था ये वाला फॉर्मूला लगा के, है ना। इस फॉर्मूला में आर दिया हुआ है 0.4, ठीक है बेटा। एन दिया हुआ है 6, क्यों एन 6 क्यों है, क्योंकि लास्ट 6 इयर्स का डेटा है। अब 6 साल का डेटा है तो 6 ही पॉइंट बनेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ, अब देखो आर भी दिया हुआ, एन भी दिया, और क्या चाहिए, डी, समेशन ऑफ डी स्क्वायर चाहिए। तो बच्चे ने क्या करा, बच्चा ने समेशन डी स्क्वायर कैलकुलेट किया, बच्चे ने यही चाहिए थी। तो बच्चे ने जब ये कैलकुलेट किया तो कितना आया, नहीं दिया, ये दिया ही नहीं, कम्पटेटिव डिफरेंस रैंक, हाँ ठीक है। तो उसको है ना, ये जब वो कैलकुलेट कर रहा था तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर में देखो डी स्क्वायर निकलता कैसे, उसके लिए डी निकालना पड़ता है। डी कैसे निकलता है, आर एक्स माइनस आर वाई, इससे निकलता है डी, है ना। तो जो डी की वैल्यू लेनी, उसने सेकंड 3 इंस्टेड ऑफ 4, उसने 3 ले ली, जबकि डी की वैल्यू लेनी कितनी थी, तो ये 3 गलत वैल्यू, 4। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर जो है वो गलत हो गया होगा, हुआ होगा कि नहीं हुआ गलत, क्यों गलत हो गया होगा, क्योंकि भैया जब आप डी की 3 की जगह, जब 4 की जगह आप 3 लोगे तो गलत तो होगा। तो जो गलती है उसको करेक्ट करना है, तो गलती है उसको करेक्ट करने से पहले अपने को डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर में से गलती करेक्ट करेंगे, पहले डी स्क्वायर तो निकाले, तो सारी वैल्यूज दिए, सिर्फ डी स्क्वायर नहीं दिया, निकालो। चलो अब है ना, एक काम करते हैं, डी स्क्वायर निकालते हैं सबसे। ये तो देखो आर की वैल्यू कितनी, डी स्क्वायर आपने को नहीं बताया ना कितना, 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 35, इधर आ जाएगा 1 माइनस 0.4 इज 0.6। 35 में 0.6 का मल्टीप्लाई करो 21। अच्छा है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर आया 21, ये सही है कि गलत है, गलत कैसा है, कैसा है बेटा, गलत गलत क्यों गलत है, क्यों गलत है, उसने 3 ले लिया था 4 की जगह, तो डी स्क्वायर गलत आएगा। बहुत बढ़िया, मैं इसको सही करता हूँ, कैसा करता हूँ, सही, हिंदी आ गई मेरे को भी, सही। अब सही कैसे करेंगे, इधर देखो बेटा ये 21 है ना, गलत है, इसको सही करना है। अब ध्यान, इधर नहीं देख रहे, बाद में समझ नहीं आएगा, इधर देखो जो 21 है सही के गलत, गलत। अब इसमें से अपने को बच्चे को 3 लेना चाहिए था का, बच्चे को 3 लेना था क्या, नहीं, तो जो नहीं लेना था उसको हटाओ। बच्चे को 4 लेना था ना, बच्चे को 4 लेना था ना, तो 4 रखो इसमें, आ गया सही। अब जो डी स्क्वायर आएगा वो सही आएगा, उसका यूज करके जो आर निकालोगे वो सही आएगा। कितना आना बोलो, खत्म, ये डी स्क्वायर सही है। अब इसका यूज करके जो भी आंसर निकालोगे वो सही आएगा, नहीं। हाँ पूछ तो शायद आ ही रहा है, हाँ आ ही पूछ रहा है बेटा, नया आर पूछ रहा है कि अगर डी करेक्ट कर देंगे तो नया आर बताओ।
28 by 35 माइनस 0.2 नया नया आ गया मेरा 0.2 ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. बड़ा सिंपल क्वेश्चन था. तो भैया डी स्क्वायर गलत ले लिया बच्चे ने, तो डी स्क्वायर को पहले सही करो. डी स्क्वायर सही करोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा, नया आर आएगा. नया डी स्क्वायर लिखोगे तो नया आर आएगा, नया आर आएगा तो नया जीवन शुरू होगा, नया आर आएगा तो बच्चा सीए बनेगा, सीए बनेगा तो मजा आएगा जीवन का. क्यों बेटा? हाँ बेटा, है बेटा जी. थ्री का स्क्वायर इसलिए क्या बेटा कि ये डी का स्क्वायर है. अब थ्री जो है वो डी की वैल्यू है, तो मैं डी स्क्वायर में डी थोड़ी लिख सकता हूँ. डी स्क्वायर में डी स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा ना, तो डी स्क्वायर में मैंने थ्री स्क्वायर लिखा. आया क्या बेटा समझ में? कि गलत को हटाएंगे सही को लगाएंगे, लेकिन गलत को हटाते हम ये ध्यान रखेंगे कि गलत वैल्यू जो है वो डी की है, लेकिन ये इक्वेशन डी स्क्वायर की है, तो उसको स्क्वायर करके हटाएंगे और स्क्वायर करके नया जोड़ेंगे. चलो अगला देखें बेटा. हाँ आज पूरा चैप्टर करा देंगे. 24 प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर सेट बी की. कौन सी पे है? नहीं नहीं करे आज, नहीं करे वो लेट जाएगा. ब्रेक चाहिए ये बात कहेगा ब्रेक फिर खत्म. नहीं फिर तो खत्म हो जाएगा ना. अच्छा ऐसा बोल रहा है, ठीक बेटा ठीक ऐसा कर ले, मेरे को कोई परेशानी. मैं पूछता हूँ अभी, उस बारे में बात करते पहले खत्म कर ले फिर करेंगे उस बारे में. चलो शुरू हो जाओ फटाफट, मैं दे दूंगा आपको बीच में 5 मिनट का ब्रेक, डरो मत. फॉर ए पेयर ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन. बस 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 यही. ये कौन सी मेथड है? उसी माइनस एम लास्ट वाली मेथड, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्करेंट डिवीएशन. लास्ट वाली मेथड है बेटा, वो स्पीयरमैन रैंक के बाद आती है. ठीक. दूसरी बात सुनो सुनो सुनो, उसका फॉर्मूला कैसा होता है? प्लस माइनस 2c माइनस m. जो साइन 2c माइनस m का होता है वही बाहर लिखते हैं, वही अंदर लिखते हैं. बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला होता है. अब मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था m कितना होता है? n माइनस 1. c कितना होता है बेटा? क्या होता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस इन प्रोडक्ट. अब एक चीज और ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा. कब नहीं हो पाएगा ये तो ध्यान से सुनो. सी का एक और नाम होता है बेटा, वो लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन. नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन मतलब एक जैसे डिविएशन, एक जैसे डिविएशन मतलब दोनों पॉजिटिव. तो सी को दो नाम होते हैं, एक तो होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, एक होता है नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन. जिस बच्चे को ये सी का दूसरा वाला नाम नहीं पता वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा. इसलिए अब करो सॉल्व, अब करो सॉल्व, अब आप आसानी से कर पाओगे इसमें. सब कुछ लिख दिया बेटा मैंने. कुछ कुछ बच्चे ना ऐसे होते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं. सर यहाँ पर 10 पेयर लिखा हुआ है तो n को 20 लिखना, क्योंकि एक पेयर में दो होते हैं. ऐसे तो कोई नहीं है. तो लगाना है लेकिन इतना भी नहीं लगाना कि 10 को 20 कर दो. चलो अब इधर देखो. हाँ बेटा आप कुछ बोल रहे थे. मीत बेटा क्या आंसर आया? हाँ देखते हैं. 10 पेयर ऑफ नंबर ऑफ सी कितना है? 4 है. बहुत बढ़िया. एम कितना है बेटा? वेरी गुड बेटा. तब उससे पहले मैं क्या करूँगा, 2c माइनस m निकालूंगा. क्या करूंगा बेटा जी? दूसरी मतलब 4 2 8 8 माइनस 9 8 माइनस 9 माइनस का 1. ओ हो, अब अपने को समझ में आ गया कि अगर आठ में माइनस आ गया ना तो बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, माइनस का 1 और नीचे कितना आएगा? m कितना है? 9. ओ हो, खत्म. माइनस 1 बाय 9
और अंदर वाला माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1 बाई 9 का वैल्यू कितना आता है, 1 बाई 9 का स्क्वायर रूट होता है 1 बाई 3, और बाहर का माइनस बाहर का बैठा रहेगा, इंतजार करेगा अपना ऑप्शन। अच्छा बहुत बढ़िया, है ना आसान क्वेश्चन। अब एक नंबर में भी पूछ ले तो कोई बुरा ही नहीं है। क्या करना, फॉर्मूले में वैल्यू तो रखना है। क्यों बेटा जी, चलो अगला हो गया तो ये लो अगला। और ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब मैं ध्यान से देखो, मैं डेटा लिख रहा हूं, आर कितना दिया है, एम कितना दिया है, नहीं पता, एम दिया है, सुनो सुनो, द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन फॉर पी पेयर्स, पी पेयर मतलब एन दिया है, पी एन कितना दिया है, पी, तो एम कितना हो जाएगा, दूसरी पड़ी नंबर ऑफ पेयर्स पी दिए, तो नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन फॉर सी कितना दिया, समझ में आ रहा है क्या बेटा जी, बहुत बढ़िया। उसी माइनस एम आर की जगह लिख दो ना, 1/√3 टू सी वेल माइनस एम माइनस पी माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एम, एनी में दोनों साइड का स्क्वायर करोगे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा दोनों साइड का, 1/3 इधर कितना आएगा, अरे इसको मैं सिंपलीफाई क्यों नहीं कर देता, 12 + 1 = 13 बस दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, मेरा तो पी 10 आ रहा है, ऑप्शन 4b 40 आ रहा है, पी 10 आ रहा है, आ गया बेटा। अगला प्रश्न, अब इसमें कोई शॉर्टकट लग सकता है, लग सकता है, बताओ आंसर क्या निकालना है, आर किसका यूज करके, कार्ल पियर्सन, ओ कार्ल पियर्सन का आर क्या होता है, इधर देखो, नहीं देखोगे तो समझ में, इसको आएगा इधर, आप ना नहीं, मुझे नहीं पता बेटा कैसे, तो प्लस बनाई हूँ कुछ हद तक, आप सही सोच रहे हो, रुको एक मिनट रुको, ऑप्शन सी आएगा, बिना सॉल्यूशन करे, बिना सॉल्व करे बताओ कैसे, बिना सॉल्व करे जीरो आएगा, इधर देखो, इधर देखो बेटा, फॉर्मूला में ऊपर क्या चाहिए, देख ही नहीं रहे आप तो, फॉर्मूला में ऊपर क्या चाहिए, n, n टाइम समेशन ऑफ xy, ओके ना, समेशन ऑफ xy तो चाहिए ना, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, सुनो, समेशन ऑफ xy निकालने के लिए x और y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने x और y को मल्टीप्लाई किया, 5 × 27, ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये 5 × 27 कैसा आएगा, दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसल,
ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, और ये तो वैसे भी जीरो है, जीरो इंटू टू जीरो, तो समेशन ऑफ एक्स वाई क्या हो गया, जीरो। अभी रुको, अगर समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई जीरो नहीं आया तो फिर भी जीरो नहीं आंसर आएगा, तो अभी दूसरा वाला चेक करते हैं, माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, इन दोनों का चेक करते हैं, समेशन ऑफ एक्स करो, समेशन ऑफ एक्स करो, इधर देखो ये प्लस का फाइव, ये माइनस का फाइव, कैंसल, प्लस का फोर माइनस का फोर कैंसल, प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसल, माइनस टू प्लस टू माइनस वन प्लस वन, जीरो तो जीरो ही रहेगा, तो समेशन ऑफ एक्स भी कितना आ गया, जीरो। तो भैया ऊपर पूरा न्यूमरेटर जीरो हो गया, ये भी जीरो, तो पूरा आंसर जीरो। अब नीचे कुछ भी आ जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब ऊपर जीरो तो नीचे कुछ भी आ जाए कोई फर्क, तो बिना सॉल्व करे जीरो। और हाँ, किसी बच्चों को लगेगा नहीं सर मुझे तो सॉल्व करना है, तो फिर क्या करोगे, दिए वैल्यूज टेबल बना लेना, एक्स वाई निकाल लेना, सब निकाल लेना, सॉल्व कर लेना। आया समझ में? ऑप्शन सी। नाउ वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स एंड देन वी विल कंटिन्यू, ठीक है।